मेट्रो में ना मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि ना लड़कों के मजे लेना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता, बस इनके साथ आई कांटेक्ट बनाओ और ये जैसे ही बाहर निकले दरवाजा बंद हो तो जस्ट स्माइल एट देम। ये इतनी मासूम कौम होती है ना, ये सारा सारा दिन इसके बारे में दोस्तों से बात करती है। कि पता है तेरे भाई के साथ क्या हुआ है। हेलो, इतनी सारी औरतें यहाँ पे तो ब्रा उतार के भी कर सकते थे कॉमेडी पॉइंट। लड़के सडनली ऐसे हो गए ब्रा उतार के। ये अलग एक्साइटेड हो रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है ये कंफर्ट की बात हो रही है। इस बात का एक्साइटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो वाले हुक तुम्हें खोलने आने चाहिए। आप में से किसी ने मुझे पहले देखा है? नहीं, ठीक जवाब है ये, ठीक जवाब है। मैंने पिछले शो में पूछा कि आप में से किसी ने मुझे पहले देखा है, एक लड़का कहता हाँ मैंने देखा है। मैंने कहा कहाँ देखा? कह रहा हिंज पे देखा था। मैं कहीं जगह बताने की बकवास पागल आदमी, वहां लाइक करता ना फिर, यहाँ आके बता रहा है हिंज पे देखा था। पागल होते हैं लड़के पर मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लड़के, बहुत क्यूट होते हैं यार। लड़कों को लग रहा है मैं तारीफ कर रही हूँ। इतना मासूम होते हैं ये कसम से, ये इनको ना सिर्फ आई लाइक यू, आई लव यू, सेक्स, ये सब बोलना सिखाया है। इनको आगे से आ जाने, इनको समझ ही नहीं आता क्या करना होता है। इतने अजीब होते हैं कि आप 2 घंटे लगा के इन्हें समझाते रहो कि मान जा चल ले, मान जा चल ले, मान जा चल ले, नहीं मानते। पर जैसे कोई इनका दोस्त इन्हें बोल दे कि मेरी बगी मेरा घोड़ा, जो ना माना ऐसे तुरंत मान जाते हैं कि कुछ भी कर ले नहीं सुनूंगा। अपना रॉक बॉटम सेट कर रखा होता है इन्होंने। अजीब होते हैं पर मुझे पसंद है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं मोहल्लों में पली बड़ी हूँ। मोहल्ले जिन्हें नहीं पता क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। ये एक एल शेप की गली होती है जिसमें गली वाले पैसे इकट्ठे करके गली के दोनों एंड्स पे गेट लगवा लेते हैं और फिर उसे सोसाइटी बुलाने लगते हैं। मैं उन मोहल्लों से पली बड़ी हूँ और मैं मेट्रो से कॉलेज जाती होती थी। मेट्रो पता है आप लोग को? वो जो 25 साल से आपके यहाँ बन रही है। इतना प्रिटेंशियस वाहन है मेट्रो। एक लौता ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें एसी होने के बावजूद आपको गरीबी फील होता है। ना मेट्रो में अगर आप में से किसी ने ट्रैवल करा तो आपने देखा होगा, वो एक इंसान होता है ना जो दुनिया समाज की पराकाष्ठाओं से परे होता है, जैसे समाज के रस्म रिवाजों से कोई लेना देना नहीं होता, जो बिना हेडफोन लगाए वीडियो देख रहा होता है। देखा है वो आदमी दिल्ली में? वो दैट गाय इज माय डैड एक्चुअली। कुछ काम नहीं है, सारा दिन मेट्रो घूमते रहते हैं। उन्हीं की वजह से मुझे जगह जगह जाके ये सब करना पड़ रहा है। वरना मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है यार। मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एम पता है क्या है? मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले मुझ पर शक करें। मैं बता रही हूँ, मैं चलते सेक्स के बीच में भी अगर उन्हें कॉल कर दूंगी ना, उन्हें लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ रही होगी इसलिए हाँ फ्री है। मैं हिक्की लेके घर चले जाऊँगी ना, मुझे कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी हो गई, देख नील पड़ रहे हैं इसके। मैंने प्लान किया इसके लिए एक दिन कि वो मुझ पर शक करें। मैंने खुद ही एक कॉन्डम का पैकेट खरीदा और अपने बैग में रख लिया। मेरी मम्मी ने लंच बॉक्स निकालते हुए देख लिया, मुझे कह रही तेरे दोस्त का रह गया, ये भी नहीं हो पाया मुझसे। मुझे कह रही उसे बता दो ये एक्सपायर्ड है। मैंने कहा पापा एक्सपायरी चेक क्यों कर रही हो? पापा तो वहाँ मेट्रो घूम रहे हैं, इसका करना क्या चाहते हो? पर मेट्रो में ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि ना लड़कों के मजे लेना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता, बस इनके साथ आई कांटेक्ट बनाओ और ये जैसे ही बाहर निकले दरवाज़ा बंद हो तो जस्ट स्माइल एट देम। ये इतनी मासूम कौम होती है ना, ये सारा सारा दिन इसके बारे में दोस्तों से बात करती है। कि पता है तेरे भाई के साथ क्या हुआ है। और दोस्त 4 कदम आगे चूतिया। वो आगे
करके सबको बताता कि पता भैया को कौन मिला था मेट्रो में, भाभी। नहीं नहीं, इतना सा अंदाजा नहीं होता कि मेट्रो में लड़की ने मुस्कुराने से पहले दरवाजे बंद होने का इंतजार कर कि कहीं तू वापस ना आ जाए। तो ऐसे ही एक बार मैं मेट्रो से कॉलेज जा रही थी, एक लड़के के साथ आई कॉन्टैक्ट हुआ, वो बाहर निकला, दरवाजे बंद हुए, एंड आई स्माइल्ड एट हिम और मेट्रो वहीं रुक गई। भाई साहब मेरी गांव के दो हिस्से होते हुए दिख गए। मेट्रो का गार्ड तो नहीं, पता चले चाबी से खोल के वापस अंदर आ जाए। और लड़का पता है कैसा, ग्रीन टी शर्ट, ब्राउन पैंट, घुंघराले बाल, एकदम पेड़ जैसा लड़का बाहर खड़ा हुआ। वो नहीं होते वो जो साइड से हीरो जैसे दिखते हैं और सामने से प्रॉपर्टी डीलर जैसे, और जिनको देख के समझ में आ जाता है कि ये डीएम में लड़कियों को सेक्स लिख के भेजते हैं। अरे तू क्वेश्चन मार्क तो लगा उसके आगे, सेक्स क्या मिल रहा है, पूछ रहा है, बताना चाहता है, क्या कर रहा है, क्या मैं फॉर्म हूँ कि तू सेक्स लिख के भेजेगा, मैं भर के भेज दूंगी, क्या सेक्स, पागल लोग। अब मुझे समझ नहीं आया कि अपने बैग से ऐसा क्या निकाल लूँ कि ये शरीर दिखना बंद हो जाए। मेरे को लगा कि नहीं दिखूंगी तो चला जाएगा, मैं दूसरे डब्बे में गई उसके गेट पे आ गया, मैं वापस इस डब्बे में इसके गेट पे आ गया। मैंने पहली बार जिंदगी में पेड़ के साथ आइस पाइस खेला। मैंने जितने लड़कों को देख के मुस्कुराया था ना, सबके चेहरे नजर आ गए। पहली बार यूनिवर्स ने उनो रिवर्स खेला होगा। मैंने आज तक सिर्फ लड़कों के मजे लिए थे, पहली बार मजों ने मेरी ले ली थी उससे। एक आंटी ने देख लिया कि मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे कहती कोई बात नहीं बेटा, दरवाजे खुल जाएंगे, आपके ब्रदर हैं। मैं कहा अगर खुल गए तो ब्रदर हैं। मेरी इतनी खराब किस्मत, इतनी देर अनाउंसमेंट हुआ कि इस यात्रा सेवा में थोड़ा विलंब होगा, मेरे मन में आया वो लाल बटन दबा के ड्राइवर को बोलूं कि थोड़ा सा आगे ले ले। क्योंकि ये जिस हिसाब से घूर रहा है ना, इस दरवाजे में छेद करके आ जाएगा। मेरी किस्मत खराब, दरवाजे खुल गए। मैं यहाँ से बाहर निकली, वो यहाँ से अंदर आ गया, दरवाजे फिर से बंद हुए, हमारा फिर से आई कॉन्टैक्ट हुआ, अब की बार उसने स्माइल किया, मेरी हंसी छूट गई। मैं कहा अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या, पेड़ पागल। पर मैंने कहा आप कॉलेज फिर किसी दिन जाएंगे, आज टारगेट ढूंढेंगे। मैं दूसरी मेट्रो में चढ़ी, जैसे डब्बे में पैर रखा, डब्बे में सारे बुढ़े। मैंने कहा ये मेट्रो शमशान घाट जा रही है क्या? ये नहीं है मेरी टारगेट ऑडियंस। सामने से एक लड़का आ रहा था, उसका मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ, हम दोनों दरवाजे के पास आके खड़े हुए। उसने मुझसे पूछा आप उतरोगे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप उतरोगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा परफेक्ट। वो उतरा, दरवाजे बंद हुए, एंड आई स्माइल्ड एट हिम, ही फकिंग स्माइल्ड बैक। मैंने कहा ये तो गेम एक लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मैंने उसे आँख मारी, उसने अपना हाथ ऊपर करा, मेरा पर्स दिखाया। राम जाना मेट्रो कार्ड और ले गया। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हो। अरे हटकर खड़े हो। ओहो हटकर खड़े हो। अरे हट जाओ यार।